गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आई एम ग्रेट सर। सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आप यूपीएससी एग्जाम के वन ऑफ द टॉपर्स हैं और आपका जो रैंक है वो टॉप 200 में आया हुआ है। ठीक है, इतना अच्छा रैंक आया है, हमने एक्सपेक्ट तो किया था कि जब हम आपको गाइडेंस दे रहे थे तो हमें पता था ये लड़का टॉप 200 या 300 में पक्का आएगा। आपके फीडबैक से हमें ये पता लगा था और आपका रैंक इंडिया में 138 आया है एंड मोस्ट प्रोबेबली डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग आईपीएस और आईएफएस, डेफिनेटली जितना मुझे समझ में आ रहा है। तो इससे पहले हम थोड़ी सी अपनी चर्चा आगे बढ़ाएं, मैं ये जानना चाहूंगा, थोड़ा सा आप अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देंगे, अपने बारे में कुछ बताएंगे थोड़ा सा, तो यंग जो एस्पिरेंट्स है, बडिंग एस्पिरेंट्स है, उनको भी पता लगे आप कहाँ से आते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है और आपका मोटिवेशन क्या है इस एग्जाम के लिए, तो काफी अच्छा रहेगा, बताइए। जी सर। सर मेरा नाम दर्शन प्रकाश चंद दुगड़, मैं आर्नी तालुका यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ सर, ये महाराष्ट्र में है। मैंने अपना बेसिक स्कूलिंग सर आर्नी से ही किया है 10वीं तक का, उसके बाद मैंने 11वीं 12वीं के लिए नागपुर में धर्मपेट महाविद्यालय में एडमिशन लिया था और वहां से फिर मैंने इंजीनियरिंग की, मैंने वहां पे नागपुर में इंजीनियरिंग के एंट्रेंस के लिए तैयारी की और मैंने शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय अमरावती से सिविल इंजीनियरिंग किया है सर। 2016 में मेरा सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ और उसके बाद मैंने सर मेरे मन में विचार सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करने का पहले से ही था, लेकिन मैंने ये सोचा कि मेरा, चूंकि मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो चुका था तो मैंने सोचा कि थोड़ा कॉरपोरेट लाइफ का एक्सपीरियंस लिया जाए, वहां से सीखा जाए कि क्या क्या अच्छी चीजें हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में ला सकते हैं, क्या क्या किस तरीके से काम किया जाता है। तो मैंने 2 साल शाहपुरजी पालोनजी कंपनी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड में काम किया, वो 2 साल का अनुभव मेरे लिए मतलब काफी यादगार रहा और उस अनुभव के बाद मैंने सोचा कि अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी की जाए और मैंने 2018 के एंड से तैयारी शुरू की। 19 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया, पहले अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया कुछ नंबर की वजह से, लेकिन वहां पे मैंने मतलब पहले पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाना मेरे लिए काफी मतलब यह था, डिप्रेसिंग था मुझे, मतलब 1-2 महीने मैं उस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाया था, लेकिन धीरे धीरे मैं उस दुख से उभरा और मैंने फिर से तैयारी शुरू की और 2019 के बाद फिर मैंने तैयारी शुरू की और सर 2020 में आज मेरी रैंक आ चुकी है सर। मेनी कांग्रेचुलेशंस। तो जो आपने तैयारी की थी 2019 में और 20 में जब आपका प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हुआ था, दोनों की तैयारी में क्या डिफरेंस किया था, ऐसा क्या आपने डिफरेंट किया कि इस बार सीधा आप इंडिया में टॉप 150 में आ गए और उस बार आपका प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था, ऐसा क्या आपने डिफरेंट किया तैयारी में? यस सर। सर मैं प्रीलिम्स के बारे में अगर बताना चाहूँ तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने काफी कम टेस्ट प्रैक्टिस किए थे, मॉक टेस्ट काफी कम लगाए थे, उसके बाद में मैंने काफी इधर उधर की चीजें पढ़ी थी सर, मैंने कोर चीजों पर फोकस तो किया था लेकिन फ्रिंज वाली जो चीजें है वो भी काफी कुछ मैं पढ़ चुका था। तो मुझे, मैंने जब एनालिसिस किया कि मैं कहाँ गलत हुआ तो मैंने ये देखा कि पहले तो मैंने मॉक टेस्ट कम लगाए हैं, क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट किए हैं एग्जाम में और उसके बाद जो फ्रिंज चीजें हैं उनको मैंने फिर पढ़ना बंद किया, मतलब जो मार्केट में अननेसेसरी रिसोर्सेस आते हैं जो आपको बर्डन कर देते हैं, मतलब हमारे एस्पायरेंट्स को वो लगता है कि हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो यह चीज एस्पायरेंट्स दिमाग से निकाल दे कि सब चीजें पढ़नी होती है, सब चीजें याद रखनी होती है। प्रीलिम्स के जो पुराने पेपर्स है उन्हें देखे, मैंने उन्हें अच्छे से देखा, पहले अटेम्प्ट पे मैंने सारे पेपर नहीं देखे थे, इस बार मैंने 1995 से लेके 2020 तक के मैक्सिमम पेपर्स, मैक्सिमम टॉपिक्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, देखे कि यूपीएससी किस तरह के सवाल पूछता है, किस तरह के कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, तो मैंने उस तरीके से सर फोकस टॉपिक्स पे ज्यादा इम्फेसिस दिया और प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस किया सर प्रीलिम्स के लिए, तो मैंने यही स्ट्रेटेजी अपनाई सर। तो दर्शन, ये तो रही प्रीलिम्स की बात, पर इस एग्जाम की जो रीढ़ की हड्डी है वो है मेंस एग्जामिनेशन, है ना? Yes. और जिसमें स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग होती है और उसमें मेजर पोर्शन जो आता है करंट अफेयर्स से आता है, और एस्पिरेंट्स करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करनी है इसको लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं, है ना? तो क्यों ना एक टॉपर के द्वारा ही पता लगे कि उन्होंने अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे की और आपने क्या डिफरेंट किया। सर करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए मैं न्यूज़पेपर डेली फॉलो कर रहा था सर, मतलब कोविड के बाद मैं नहीं कर पाया था न्यूज़पेपर डेली फॉलो क्योंकि घर पे न्यूज़पेपर नहीं आ पाता था, तो मैं कभी कभार डिजिटल एडिशन पढ़ लेता था, लेकिन उसके पहले कोविड रेस्ट्रिक्शंस के पहले मैंने रिलीजियसली न्यूज़पेपर फॉलो किया था और न्यूज़पेपर में से सर जो एकदम जो
बहुत इम्पोर्टेंट इश्यूज है नेशनल और इंटरनेशनल अरेना में, जिनका इम्पैक्ट हो सकता है हमारे पॉलिटिकल इकोनॉमी पे, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, उनको मैंने सेग्रीगेट किया और उनको सेग्रीगेट करके ऊपर उनके ऊपर और पॉइंट्स इन फेवर आर्गुमेंट और खुद का एक एनालिसिस किया, ओपिनियन बनाया, दोस्तों के साथ उस पर मैं डिस्कशन करता था सर कभी कभार, तो उससे मुझे काफी हेल्प हुई सर, मतलब सेग्रीगेशन से, क्योंकि सारे टॉपिक्स इम्पोर्टेंट नहीं होते, यह बात मतलब एस्पायरेंट जितना जल्दी जान ले उतना अच्छा है। तो हमने और भी जितने भी एस्पिरेंट से बात की है, समझ में यही आ रहा है, कम पढ़िए लेकिन उसको ज्यादा बार पढ़िए। एस्पिरेंट्स क्या गलती कर रहे हैं, वो ज्यादा किताबें पढ़ रहे हैं लेकिन कम बार पढ़ रहे हैं, और टॉपर्स में खास बात देखी है मैंने, वो लिमिटेड किताबें पढ़ रहे हैं लेकिन उनको 5-5 बार पढ़ रहे हैं, तो ये कॉमन बात उभर के आ रही है सभी के बारे में। ठीक है, मैं एक और बात दर्शन आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप कोई मेट्रो सिटी से नहीं हो, दिल्ली से, मुंबई से, कोलकाता से नहीं हो, जिस एरिया से आते हो, यहाँ यहाँ से तैयारी करने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं एज कम्पेयर टू द पीपल हु आर इन मेट्रो सिटीज लाइक दिल्ली, जो कि यूपीएससी का गढ़ माना जाता है, और इन चैलेंजेस को आपने कैसे ओवरकम किया? सर पहली बात तो मैं मतलब एक ग्रामीण इलाके से आता हूँ, लेकिन पिछले 5 सालों में मैं मेट्रो सिटीज में ही रह रहा हूँ सर, तो मतलब एक्सपोजर का जो लैक ऑफ एक्सपोजर जो होता है, एक लैक ऑफ एक्सपोजर होता है सर ग्रामीण विभाग में, लोगों को पता नहीं होता, और एक यह दिमाग में एक ऐसी छवि होती है कि यह एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, इसे क्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है, तो यह छवि भी मतलब काफी हद तक अभी भी प्रचलित है सर रूरल एरियाज में, तो यह ऐसा नहीं है, अगर आप सही डायरेक्शन में और सही तरीके से आप एफर्ट डालते हो अगर इस एग्जाम के लिए, तो एनीवन कैन क्लियर द एग्जाम इन माय ओपिनियन, यह एक बात है सर। और रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी काफी लिमिटेड है सर, मतलब दिल्ली और पुणे हो गया और बैंगलोर हो गया, ये 3 मेट्रो सिटीज और कुछ दूसरी सिटीज के अलावा बाकी जगहों पे रिसोर्सेज नहीं है, गाइडेंस नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, और एक एटमॉस्फेयर भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर। जैसे मैंने दिल्ली में जब मैं आया 2019 के अटेम्प्ट के बाद सर, मैंने दिल्ली में प्रिपरेशन की, तो मैंने ये डिफरेंस ऑब्जर्व किया, दिल्ली में एटमॉस्फेयर भी वैसा है, और मेरे यहाँ पे काफी अच्छे दोस्त बने और उन लोगों के साथ मैंने आगे की सारी प्रिपरेशन। हेलो सॉरी सर, एक कॉल आ गया था। सर मैंने एक मैं दो दोस्तों का मेरा नाम मेंशन करना चाहूंगा आउट ऑफ दी यहाँ पे, पुष्कर काले करके एक मेरा दोस्त है सर, उसने उसने सारे क्वेश्चंस कैटेगराइज कर लिए थे मेंस के टॉपिक वाइज, एक थीम हम लोगों ने ये कर ली थी, उसने वो थीम एक आइडेंटिफाई कर ली थी कि किस थीम्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक एक्सेल शीट हमने बनाया था सर, उसमें सारे थीम्स हमारे थे, तो हम लोगों ने जब एग्जाम एक्सटेंड हुआ था 2020 के बाद, तो वहां पे हमने वो सारे थीम्स के वाइज क्वेश्चंस कवर किए सर, उस पे हम लोगों ने दोनों ने बैठकर सोचा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, किस किस तरीके से हम लोग इसको और अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, और प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं नेक्स्ट ईयर, तो यह मतलब एक्सरसाइज से हमें बहुत हेल्प हुई सर, और डिस्कशन के लिए आपको एक ग्रुप बन जाता है, तो जो ये मतलब आप आइसोलेशन में प्रिपेयर कर रहे हो और एक ग्रुप में प्रिपेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे एफर्ट्स डिवाइड हो जाते हैं और प्रोडक्टिविटी भी काफी बढ़ जाती है सर। ठीक है, और जब आप दिल्ली में आए थे उसके बाद कोविड का दौर आ गया, बहुत सारे एस्पिरेंट्स अपने पीक पे थे तैयारी पे, और कोविड की वजह से वो अपनी तैयारी को छोड़ चुके थे, तो आपने इस चैलेंज को कैसे ओवरकम किया? सर इस चैलेंज को भी ओवरकम मैंने ग्रुप स्टडीज से ही किया है सर, घर जाने के बाद अकेले स्टडी मतलब पढ़ाई करने का मन तो नहीं होता था, तो अगर आप ग्रुप में 2-3 लोगों को मतलब कमिटमेंट देख कर रखते हो कि आपको पढ़ना है, तो आपको कॉल आ जाएगी सर उस टाइम पे दोस्तों की, और आप फिर मतलब उसको 1-2 दिन हम लोग ज्यादा से ज्यादा बोल सकते कि नहीं यार आज मन नहीं कर रहा है, आज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हर दिन हम लोग नहीं कर सकते, तो एक डिसिप्लिन आ जाता है उस तरीके से, एक लिंक लग जाती है, और फिर उसी से सेल्फ स्टडी के लिए भी मोटिवेशन मिल जाता है सर, एक इंटरनल मोटिवेशन आ जाता है। और कहा जाता है कि आपको इस तैयारी के लिए सन्यासी बनना पड़ता है, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता हूं, मैं आपसे इसलिए सवाल ये पूछ रहा हूं ताकि हम भी गाइड करते हैं लेकिन हमसे ज्यादा बच्चे जो हैं टॉपर की बात सुनते हैं, हम तो यही बताते हैं कि कोई जरूरत नहीं है सन्यासी बनने की, लाइफ को इतना सीरियसली मत लीजिए, ठीक है, और लिमिटेड पढ़िए, 8-10 घंटे बहुत होते हैं, सोशल मीडिया अपने टाइम पे कीजिए, लेकिन आपको सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर मैं एक टॉपर का ओपिनियन इस मुद्दे पे जानना चाहूंगा।
जी सर, इस एग्जाम के लिए सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर चीज का इस्तेमाल कंट्रोल में होना चाहिए। मतलब लिमिटेड यूज हम लोग कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का हमारे यूज के लिए, और फिर थोड़ा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए भी कर सकते हैं। अगर कोई हॉबी आप परस्यू कर रहे हो, कोई गिटार बजा रहा है तो वो लाइव स्ट्रीमिंग कर सकता है, या कोई किसी को कोई कॉमेडी वीडियोस देखने की मतलब हॉबी होती है तो वो कॉमेडी वीडियोस देख सकता है। जैसे कि सर मैंने व्हाट्सएप टेलीग्राम यहाँ पे तो मैं काफी एक्टिव था, लेकिन इंस्टाग्राम का मेरा मतलब पहले से ही मैं एक्टिव नहीं था, और फेसबुक में मतलब बीच बीच में यूज कर लिया करता था सर। तो मैं सन्यासी तो नहीं बना था, लेकिन सर मैं इन प्लेटफॉर्म्स को देखकर मुझे कभी कभी फोमो वाला फीलिंग होता था कि कहीं ना कहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, इन लोगों की दुनिया काफी अलग है। तो मैं उस कारण की वजह से कम यूज करता था, मुझे ऐसे फीलिंग आता था वो वाला। उसके अलावा मैं मतलब ये नहीं देखता सर कि ये आपका टाइम वेस्ट करते हैं या आपने इनको पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि एग्जाम यह जिंदगी का एक हिस्सा है सर। इसको सारी पूरी जिंदगी ना बनाए बनाया जाए, क्योंकि आगे हमारी बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी है। तो वही सर। इतनी कम एज में आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इट शोज दैट यू हैव अ वेरी मेच्योर हेड्स ऑन यंग शोल्डर्स शोल्डर्स एंड अभी आपको काफी भार उठाना है जब आप आईपीएस बनेंगे। मैं बोलना यस चाहूंगा आपके रोल मॉडल कौन है? सर, मेरे रोल मॉडल मेरे फादर है। मेरे फादर प्राइमरी स्कूल टीचर है, मैं उन्हें देखता था जब वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। एक्चुअली सर, रूरल एरियाज में एजुकेशन में एक प्रॉब्लम है कि बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते, क्योंकि पेरेंट्स की फाइनेंशियल जो कंडीशन होती है वो बहुत काफी वीक होती है। तो वो बच्चों को खेत में काम करने के लिए लेके चले जाते हैं, या फिर कुछ घर में जो कैटल है उनको मतलब देखभाल के लिए रख देते हैं। तो मेरे पापा बच्चों को स्कूल में बुला उन्हें बच्चों को स्कूल में बुलाने जाना पड़ता था। तो मैंने देखा कि वो जिस डेडिकेशन से डिवोशन से एक चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मतलब हमारा देश आगे बढ़ सके पढ़कर। तो वह मेरे लिए एक काफी इंस्पिरेशनल था। और उसके साथ साथ सर, मैं एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत एडमायर करता हूँ सर। जिस तरीके से एडवर्सिटीज को उन्होंने अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट किया, वो मतलब मेरे लिए काफी प्रेरणादायक है सर। सिंस अभी तो आप सिविल सर्वेंट बन गए हैं, परसों जो रिजल्ट आया है अब आपको फीलिंग सिंक हो गई होगी, 2 दिन हो गए हैं। बिल्कुल अब थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट बात ये है, एज अ सिविल सर्वेंट आप अपने लेवल पे क्या सोसाइटी में चेंज लाना चाहेंगे पर्सनल लेवल पे? सर, पर्सनल लेवल पे मैं चाहूंगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के जो ये जो दायरे है, इन दायरों में कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां मौजूद है सर। तो मैं उन त्रुटियों का मतलब आकलन करना चाहूंगा, देखना चाहूंगा कि ये त्रुटियां क्यों आ रही है, और उसके ऊपर उन्हें मजबूत करने की कोशिश करूंगा सर। और मैं रूरल एरिया से आता हूँ, तो आई नो दैट लॉट ऑफ डिफिशियंसीज आर देयर इन हेल्थ एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंट इन रूरल एरियाज। दो वी हैव अचीव्ड लॉट, बट जब तक हम लोग लास्ट माइल तक लास्ट स्टूडेंट को हम लोग केटर नहीं करेंगे, तब तक हम लोग यह नहीं कह सकते कि हमने 100% लिटरेसी अचीव किया है। तो इन दो क्षेत्रों में मैं काम करने की रुचि रखता हूँ सर। बहुत अच्छी बात है दर्शन। मुझको आप ये बताइए कि आपका जो यूपीएससी में इंटरव्यू हुआ था उसमें किस तरह के सवाल आपसे पूछे गए? सर, सवाल काफी मतलब डाइवर्स एरिया से थे। कुछ सवाल डैफ बेस्ड थे, जैसे कि मेरी हॉबी थी डायरी राइटिंग, तो मुझे डायरी राइटिंग पे सवाल पूछा गया कि आप क्यों करते हो डायरी राइटिंग, और फिर उसके बाद डायरी राइटिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ा है आपके जीवन पर, इससे आपको क्या बेनिफिट हुआ है। फिर डॉक्यूमेंट्रीज ऑन इंडियन ट्राइब्स मैंने लिखा था सर हॉबी में, तो उस पर भी मुझे सवाल पूछे गए कि महाराष्ट्र में कौन सी ट्राइब्स है, उनकी उनकी समस्याएं क्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइब्स इन महाराष्ट्र, और उनके लिए सॉल्यूशंस वगैरह क्या किए गए हैं। डैफ के साथ साथ सर सिविल इंजीनियरिंग पे भी कुछ सवाल थे, इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ सवाल पूछे गए। मोस्टली सर काफी सारी चीजें जो थी वो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसमें जो वर्ड्स है उसी के इर्द गिर्द मतलब थी सर सारी चीजें। और बोर्ड काफी कॉर्डियल था सर, वो लोग इनेबल कर रहे थे मतलब बोलने के लिए, वो लोग एक अपनेपन वाला फीलिंग दे रहे थे सर। ठीक है, तो जितने भी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को बाद में देखेंगे, आज हम देखते हैं कि हमने यूपीएससी टॉपर से क्या सीखा। नंबर 1, ज्यादा किताबें नहीं पढ़नी है, कम किताबें पढ़िए, कम रिसोर्सेस को पढ़िए लेकिन उन्हें ज्यादा बार पढ़िए। नंबर 2, ग्रुप स्टडी पे फोकस कीजिए,
क्योंकि अगर आप ग्रुप में पढ़ेंगे तो सिलेबस आपका डिवाइड हो जाता है और आप एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं। नंबर थ्री, जैसे भी एडवर्सिटी आ जाए ठीक है, लेकिन दोस्त आप अच्छे बनाइए ताकि वो एक दूसरे को पुल अप करे ना कि पुल डाउन करे। नंबर फोर, इंटरव्यू ज्यादातर डैप से रिलेटेड होता है, जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है और वो आप ही के बारे में होता है, क्योंकि इंटरव्यू वो आपका हो रहा है और आपके बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज किसको है, आप ही को है। तो इंटरव्यू में आपको घबराने की जरूरत नहीं है ठीक है, नर्वस होने की जरूरत नहीं है। जैसा कि यहाँ दर्शन ने खुद बताया है कि इंटरव्यू बहुत कॉर्डियल था और उन्होंने कैंडिडेट्स को इंकरेज किया और आंसर देने के लिए। नंबर फाइव ठीक है, मेट्रो सिटी में रहना जरूरत नहीं है ठीक है, ऐसा नहीं होता कि बहुत पैसे होंगे तभी आप तैयारी कर सकते हो। अगर आपको सही दिशा हो आप कम समय में इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो ये पांच चीजें हमने सीखी है टॉपर के खुद द्वारा। हम भी ये चीजें बोलते हैं लेकिन टॉपर बोलता है तो थोड़ा फर्क पड़ता है, और कुछ नहीं है ठीक है। लास्ट में मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि जो बडिंग एस्पिरेंट्स हैं ठीक है, जिनका सपना होता है आईएएस आईपीएस बनना, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सर, एस्पायरेंट्स को मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि यूपीएससी के सिलेबस को, यूपीएससी के पैटर्न को डिकोड करना चाहिए उन्होंने। अच्छी तरीके से एक बार देखना चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, सिलेबस पे स्टिक करके रहना जरूरी है। और उसके साथ साथ सर कंसिस्टेंसी जरूरी है। यह जरूरी नहीं है कि आप 16-18 घंटे पढ़ाई करें, यह जरूरी है कि आप 8-10 घंटे डेली आप अपना एक शेड्यूल में पढ़ाई करें, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि सर ये कहा जाता है ना कि द पेन ऑफ डिसिप्लिन इज लेस सिवियर देन द पेन ऑफ फेल्यूर। सो यह चीज को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ गया था सर फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, और मैंने थोड़ा बहुत डिसिप्लिन इनकलकेट करने का कोशिश किया था सर। वेरी गुड, ये दो चीजें मैं कहना चाहूंगा फ्यूचर एस्पिरेंट्स को। वेरी गुड, अभी इस बार के प्रीलिम्स एग्जाम अक्टूबर 10 तारीख को है, लगभग 15 दिन के बाद है ठीक है। तो अभी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो नर्वस हो रहे हैं, तो हम उन्हें बोल रहे हैं कि इस समय कुछ नया मत उठाइए, जितना आपने किया है उसको रिवाइज कीजिए ठीक है। लेकिन आप उन्हें क्या रिकमेंड करेंगे कि आखिरी 15 दिनों में सिर्फ टेस्ट देने चाहिए, रिविजन करना चाहिए या कुछ और करना चाहिए, आप उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे? सर मेरी तरफ से मैं यही सजेशन देना चाहूंगा कि वो जितना काम रह सकते हैं उतना काम रहने का कोशिश करें, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई तो अभी तक कर ली है। ऑलमोस्ट सभी एस्पायरेंट्स पढ़ाई कर रहे थे पूरे एक साल से, पढ़ाई तो उनकी हो चुकी है। अभी कॉन्फिडेंट फील करने का जरूरत है, क्योंकि एग्जाम में आप जो परफॉर्म करते हो वहां पर डी डे पर, वो परफॉर्मेंस कॉन्फिडेंस से मतलब अलग तरीके का परफॉर्मेंस आएगा। उसके साथ साथ रिविजन पे ही ज्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन रीडिंग न्यू थिंग्स इन लास्ट के 15 दिनों में। और साथ साथ यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर देखे जाए तो वो बेंड ऑफ माइंड उस तरीके से फ्रेम हो जाएगा कि यूपीएससी के सवाल कैसे होते हैं, पड़ जाती है कभी कभार कई बार, तो यह चीजें देखते रहे रादर देन कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का पेपर अभी सॉल्व करने के बजाय। यह दो चीजें मैं रिकमेंड करूंगा सर, और जितना शांत रह सकते हैं, जितना टेंशन कम ले उतना अच्छा है सर। ठीक है, और लास्ट में आप चहल एकेडमी की टीम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर चहल एकेडमी में मैंने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए मतलब मैं इंटरव्यू के लिए अपीयर हुआ था, और मेरा यहाँ पर इंटरव्यू का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। जो इनपुट्स मुझे विनोद जुटशी सर से मिले थे, श्री विनोद जुटशी सर से, उनसे मुझे मतलब उनसे उनपे मैंने काफी मतलब उनपे मैंने चिंतन किया और उनपे मैंने काम किया, तो काम करके मैंने देखा कि उन्होंने जो इनपुट्स दिए वो काफी मतलब मददगार साबित रहे मेरे लिए। और दूसरे पैनल मेंबर्स का भी जो इनपुट था उनपे भी मैंने काम किया, तो ओवरऑल मेरा एक काफी अच्छा अनुभव रहा चहल एकेडमी में साक्षात्कार का जो अनुभव था वह। और इसके साथ साथ सारी टीम भी मतलब चहल एकेडमी की पूरी टीम, सुमित सर सारे काफी कॉर्डियल टीम थी। तो मैं एस्पिरेंट्स को यही रिकमेंड करूंगा कि अच्छा पैनल और अच्छे बोर्ड मेंबर्स जा है वहीं पे इंटरव्यू के लिए अपीयर हो कैंडिडेट्स, और प्रैक्टिस करें मॉक इंटरव्यू की, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा रहेगा। आखिर में मैं यही बोलना चाहूंगा कि देश को आपके जैसे सिविल सर्वेंट की बहुत जरूरत है ना, और हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि आपके जैसे यंग ब्लड, यंग विद्यार्थी जब सिविल सर्वेंट बनते हैं तो हमारा देश
जरूर आगे जाएगा। जो भी पॉलिसीज सरकार बना रही है उनको इम्प्लीमेंट करना आप लोगों के हाथ में है, ठीक है? तो आप उनको इम्प्लीमेंट कीजिए, अपने कैरियर में बहुत आगे बढ़िए, और प्रोबेबली अभी तो आप आईपीएस बनेंगे, ठीक है? एंड मैं देखना चाहूंगा कि आप भी किरण बेदी मैम की तरफ फेमस होइएगा, ठीक है? एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर मेकिंग अस प्राउड ऑल्सो। एंड कभी भी कोई भी और भी आपको गाइडेंस चाहिए, दिक्कत चाहिए, तो फील फ्री टू कॉल अस एनी टाइम दर्शन। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू चेल अकेडमी टीम फॉर योर कॉन्स्टेंट सपोर्ट एंड गाइडेंस। थैंक यू सर। ओके।